External Affairs Minister Sushma Swaraj on Thursday met the families of Indian nationals held captive in Iraq and assured them of their safe return. Giving details, Swaraj said, Iraq mein bandhak banaye gaye hamare 39 bhartiyon ke parijan aaj mujhse milne aaye the. Ye meri aur inki 10vi mulaqat hai. Hamare paas jo bhi khabar alag alag jagahon se aa rahi hai, wo khabar ye hai ki wo zinda hain. लेकिन हमारे पास कोई सबूत इस चीज का नहीं है. जहां तक मारे जाने की न कोई खबर है न कोई सबूत है, तो मैंने इन्हें पहले भी ये बताया, आज भी ये बताया है कि देखिए, मारे जाने की ना खबर है ना सबूत है, मगर जिंदा रहने की खबर है, सबूत नहीं है. हम लोग कोशिश में लगे हैं, जहां कहीं भी हम ऐसी सरकार से बात करते हैं जो मददगार साबित हो सकती है, उससे प्रधानमंत्री स्वयं ये मसला उठाते हैं, मैं अपने स्तर पर उठाती हूँ, हमारे राज्य मंत्री उठाते हैं. अभी अभी हमारे राज्य मंत्री वेनेजुएला होकर आए हैं, वहां भी उनकी बातचीत जिनसे हुई है उनसे उनको जो लेटेस्ट जानकारी मिली है वो यही मिली है कि वो सलामत हैं, वो जिंदा हैं. तो मैंने यही कहा है कि आप धीरज रखें, इस समय जो परिस्थिति जिस तरह की वहां बनी हुई है, एक युद्ध चल रहा है, लोग बंधक बने हुए हैं, लेकिन हमारी ओर से किसी तरह की कोई कोर कसर हम बाकी नहीं रख रहे हैं और उनकी तलाश हमने जारी रखी हुई है, लेकिन धीरज रखने की आवश्यकता है.